बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे एक और क्रिएटिव आइडिया लेकर DIY आइडिया आपके साथ लेके आई हूँ स्टिचिंग के हवाले से, जो कि मुझे खुद भी हंसी आ रही है। तो मेरे माइंड में ऐसे आइडियाज़ आते रहते हैं, तो मैंने कहा कि आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। तो यहाँ पे है जी, ये शलवार है, ये ट्राउज़र है हमारा, और ये जेंट्स की आप देख रहे होंगे नीचे शलवार पड़ी हुई है, मर्दाना शलवार पड़ी हुई है मेरे पास। ये किसी ने मुझे दिया कि मुझे ट्राउज़र बना दें, ऐसे मुझे ट्राउज़र बना दें। ब्लैक ट्राउज़र्स आपको पता है बहुत ही काम में आते हैं, ब्लैक हुआ, बेज हुआ, या फिर वाइट, ऑफ वाइट कलर में। इस तरह के ट्राउज़र आपके पास बहुत सारे हों तो आप किसी भी शर्ट के साथ, किसी भी फ्रॉक के साथ कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे ये DIY आइडिया आया, मैंने इस तरह से अपने हस्बैंड्स की शलवार से मैंने अपने बहुत से ट्राउज़र्स बनाए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये देखें, ये मैंने ट्राउज़र लिया है, ये जिन कारण मुझे ट्राउज़र दिया और अपने हस्बैंड की, उन्होंने मुझे दी है ये शलवार कि आप इससे मुझे ट्राउज़र बना दें। तो ये देखें, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ से थोड़ी कम पा रही है ना, ट्राउज़र से लेंथ इसकी थोड़ी कम पा रही है। तो यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करना मैं आपको दिखा दूँ। इतनी आसानी से आप किसी भी शलवार से, अगर आपके हस्बैंड की शलवार नई है, या आप फैमिली में आपके भाई की है या अबू की है, नई शलवार है, वो कपड़े नहीं पहनते, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने ट्राउज़र में। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। अक्सर जेंट्स के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, ब्रांडेड होते हैं, तो उन्हें ज़ाया करने का दिल नहीं करता, वो ना पहने तो फिर हम सोचते हैं कि इनका क्या करेंगे, ज़ाया हो जाएंगे। तो ये ज़ाया नहीं होते आप अगर इसे आप अपना ट्राउज़र बना लें तो। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं इसके पैंचा जो इसका लगा हुआ है ये हटाऊंगी, ये मैं इसका रिमूव कर दूंगी, और ये इसकी थोड़ी सी लेंथ कम हो जाएगी। तो ये जिस शर्ट के साथ हम बनाएंगे ट्राउज़र, उस शर्ट का कपड़ा नीचे डाल देंगे, एज अ पैच हम उसको नीचे कपड़ा डाल देंगे। तो यहाँ से इसकी कटिंग हो गई है, ये देखें जी, इतनी इतनी लेंथ इसकी कम है, ऊपर से ये पूरा, ये देखें ऊपर से ये बिल्कुल पूरा है, ये देखें ऊपर से ये पूरा है। थोड़ा सा यहाँ से चोनट सा अगर आई है तो इतना फासला, 1 से 1.5 इंच फासला छोड़ा है हमने, मैंने। तो यहाँ पे देखें, अब इसकी यहाँ से कटिंग हो गई है, तो इसको यहाँ से मैं कट करूँगी, ताकि ये जो स्टिचेस लगे हुए हैं, ये जो सिलाइयाँ लगी हुई हैं, ये पहले मैं रिमूव करूँगी। ये सिलाइयाँ पहले रिमूव करेंगे, जे दूसरी साइड की भी सिलाई रिमूव करेंगे, ये देखिए ये ओवरलॉक। तो ये सिलाई दूसरी साइड से भी रिमूव कर लूँगी, फिर इसको दोबारा से नीट करके कटिंग कर लूँगी। पहले हम इसकी सिलाई रिमूव करेंगे, ये इसकी सिलाई रिमूव हो गई है यहाँ पे। तो अब ये जो फैब्रिक है ना, ये शर्ट के साथ का जो फैब्रिक है, ये जो शर्ट के साथ का फैब्रिक है, ये शर्ट के हाफ बाजू थे, ये उन्होंने शर्ट भी मुझे ठीक करने के लिए दिया, इसका दूसरा बाजू कहाँ गया। तो शर्ट के स्लीव्स भी लगाने हैं मैंने ब्लैक कलर के, तो इसी शलवार की जो शर्ट है ना जेंट्स की, तो वो भी मैं सही करना अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये दो DIY आइडियाज़ हैं जिनसे आप अपने कपड़ों पे बाजू लगा सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी मैं कट करूँगी, ये जो स्लीव्स का कपड़ा है इसको भी हम सीधा कर लेंगे काट के। मैं ऐसी क्रिएटिविटी करती रहती हूँ, तो ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर हम अटैच करेंगे इसको, मैं थोड़ा और छोटा कर लूँगी, ताकि लेंथ हमारी जितनी लेंथ हमें चाहिए उतनी रहे। यहाँ से इसको और छोटा कर लूँगी, तो ये अब पूरी हो जाएगी लेंथ। तो यहाँ से इसका मैं ये ओवरलॉक वाले स्टिचेस जो हैं ये हटा लूँगी, रिमूव कर लूँगी। तो ये हमारी सिलाइयाँ जो हैं ये लगी रहेंगी नीचे, हम ये नहीं रिमूव करेंगे, ये इसी तरह से लगी रहेंगी, और बस सिर्फ इसको पैंचे के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है, ट्राउज़र के नीचे ये अटैच होके, तो ट्राउज़र की लेंथ पूरी हो जाएगी। ये देखें ट्राउज़र की लेंथ हमारी पूरी हो जाएगी इस तरह से, इस तरह से ट्राउज़र की लेंथ पूरी हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा और भी ये लेंथ ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसकी करते हैं कटिंग, तो यहाँ से ये कटिंग हो गई।
अब हम करेंगे ट्राउज़र के ऊपर से कटिंग। ये नेफा भी इसी तरह लगा रहेगा, मैं इसको भी हटाऊंगी नहीं, क्योंकि आसानी से हमने बनाना है। 5 मिनट का ये आइडिया है, 5 मिनट में इसकी सिलाई करनी है हमने, तो हम ये नहीं हटाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। अब इसको मैं यहाँ से सिलाइयाँ लगाऊंगी और बस इसको ये सिलाई लगाऊंगी। तो ये कितनी आसानी से हमारा ट्राउज़र बन के रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको स्टिच करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैं यहाँ पे अटैच कर लूँगी, पांचे पे ये फैब्रिक अटैच कर लूँगी और यहाँ से मैं इसको स्टिच करूँगी। पहले यहाँ से स्टिच करूँगी मैं, यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगाऊँगी, दोनों साइडों से सिलाइयाँ लगाऊँगी। फिर मैं इसको यहाँ से नीचे पांचा अटैच करूँगी, इसका जितना फैब्रिक का मैं वो अटैच करूँगी और फिर इसको हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे और फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा ट्राउज़र स्टिच होकर रेडी हो गया है। ये देखें, ये इसका नाप वाला ट्राउज़र है। इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ, साइड पे रख देती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे जो ट्राउज़र की कटिंग मैंने आपको बताई थी कि आप अपने हस्बैंड के ट्राउज़र को किस तरह से यूटिलाइज़ करके अपना ट्राउज़र बना सकते हैं, कन्वर्ट अपने ट्राउज़र में कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान मेथड है ये। ये देखें, हमारा ये ट्राउज़र रेडी हो गया है बन के। इसको मैंने यहाँ से भी स्टिच कर लिया था, यहाँ से भी दोनों सिलाइयाँ लगाई हैं, ऊपर से अटैच किया है, स्टिच किया है और नीचे पैंचा आपको दिखा दूँ इसका। तो ये देखें, नीचे से फिर मैंने फैब्रिक जो थोड़ा सा कम था वो शर्ट का फैब्रिक यूज़ करके, तो इसकी लेंथ भी बढ़ गई है और ये प्यारा भी लग रहा है। शर्ट इस कलर में है, रेड कलर में, और ब्लैक से हमने ट्राउज़र को इस तरह से यूज़ कर लिया। तो आप भी इस तरह के आइडियाज़ किया करें। मैंने अपने हस्बैंड के कपड़ों से, बहुत से उनके कपड़े ब्रांडेड कपड़े होते हैं, वो ब्रांडेड कपड़े लेते हैं, तो फिर वो ना पहने तो फिर मुझे ये होता है कि मैं इनसे अपना कुछ बना लूँ या बच्चियों का कुछ बना लूँ। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है आपके, इस तरह से अच्छे कपड़े होते हैं तो आपको उनको ज़ाया करने का, या वो ना पहने तो दिल नहीं कर रहा होता। तो इस तरह से मैंने अपना भी ट्राउज़र बनाया, मैंने अपने हस्बैंड के ट्राउज़र से अपना ट्राउज़र बनाया। वो कपड़े नहीं पहने थे तो शर्ट से मैंने अपनी बच्ची की शर्ट बना ली थी, तो ट्राउज़र से मैंने अपना ट्राउज़र बना लिया था और वो ब्रांड का था, तो उसके ऊपर वाइट ट्राउज़र था, वो भी मैं किसी वीडियो में आपको दिखा दूँगी। वाइट ट्राउज़र था तो उसके ऊपर मैं ब्रांड की कुर्ती ले आई थी, जेडार्ड ब्रांड से मैं कुर्ती लाई थी, कुर्ती का फैब्रिक लाई थी, तो मैंने अपना फ्रॉक बना लिया था और उसके नीचे फिर वो मैंने कैरी किया था ट्राउज़र। तो इस तरह से आप भी चीज़ें यूज़ करके, तो या बच्चियों की बना सकते हैं या अपनी बना सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, तो आप अपने इसको ज़रूर यूज़ करें, आजमाएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए ट्यूटोरियल के साथ, किसी नए क्रिएटिविटी के साथ। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। मिलूँगी नई वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।